अगर ये 13-14 मांगे हैं, अगर 3 दिन के अंतराल में अगर समाप्त नहीं होती है तो हमको अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, अगर भूख हड़ताल करनी पड़ी, अगर पूरा दिन बैठना पड़ा तो पूरा दिन बैठेंगे, रात को अगर बैठना पड़ा तो रात भी बैठेंगे। आप लोग को ज्ञापन देना है तो कलेक्टर साहब को देना चाहिए, आप लोगों को तो पता ही नहीं है और ज्ञापन देने आ गए। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज की लगभग 1300 समस्या थी विद्यार्थियों की, यानी हमने संगठन के माध्यम से भी प्राचार्य महोदय को अवगत करवाया था कई दिनों, और मोटे मोटा देखा जाए तो जो विद्यार्थियों को मेन समस्या है वो पानी की समस्या है, यानी हॉस्टल परिसर में जो पानी पीने की व्यवस्था है वो बिल्कुल नाम मात्र की है, यानी जो विद्यार्थी पानी पीते हैं वो कॉलेज कैंपस में उनको आने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि हॉस्टल में पानी की व्यवस्था है ही नहीं, तो कॉलेज कैंपस में आते हैं जहाँ पानी भर के ले जाते हैं, यानी कॉलेज कैंपस अगर बंद कर दिया जाता है तो रात को, तो विद्यार्थियों को जो नल का पानी रहता है वो पीने पर मजबूर किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं विद्यार्थी उस पानी वो पानी पी के बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को घर जाना पड़ता है, जिसके कारण रिजल्ट ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो स्कॉलर का विषय हुआ, विद्यार्थियों को 6000 मिलना चाहिए, वहाँ विद्यार्थियों को 3000 दिए जाते हैं, तो वो 3000 कहाँ जा रहे हैं विद्यार्थियों के? और देखा जाए तो वहाँ विद्यार्थियों के जो साफ़ सफाई अपन देखे, एक प्रकार से कॉलेज कैंपस कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन वहाँ एक प्रकार से खंडर जैसा पूरा कॉलेज कैंपस है, और जो कॉलेज कैंपस के आसपास में जो झाड़ियाँ हैं वो झाड़ियाँ जो रूम विद्यार्थियों के वो रूम के अंदर आ रही है, यानी कोई जीव जंतु अंदर आ सकता है, और एक दिन तो विद्यार्थी बता रहे थे कि सांप अंदर आ गया था, यानी अगर वो सांप किसको डस लेता तो कौन जिम्मेदारी उसकी लेता? और जो भोजन उनको मिलता है विद्यार्थी को जो कैंटीन में, उसकी डेट ही ख़त्म हो जाती है, यानी एक्सपायर हो जाता है वो भोजन उनको दिया जाता है, यानी उनको फूड पॉइजन हो गया, यानी कोई बीमार हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर में लेगा कौन? ये तो हाथ खड़े कर देंगे प्रिंसिपल, तो कह रहे हैं मैं खुद इन बच्चों के साथ में भोजन करता हूं। आज मेरी बात सुनिए, आप लोग भी चल सकते हैं, एक बार देख सकते हैं परिसर पूरा खंडर दिख रहा है, और जो भोजन कैंटीन है वहाँ पे आप देख लेना, डेट समाप्त हो गई है फिर भी वो भोजन बन रहा है, यानी इतना, और एक विद्यार्थियों के पास से 3000 रुपये मिल रहे ओनली, तो 3000 कहाँ जा रहे विद्यार्थियों के? तो कहीं ना कहीं ये छानबीन होना चाहिए और एक कमेटी बनना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर 3 दिन के अंतराल में अगर इन चीज़ों की जानकारी अगर नहीं मिली और इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। कैंटीन में जो खाना बनता है, जो आता पानी, वो भी ऊपर टंकी पूरी सड़ रखी है, पूरी सेवल जमी है उसके, वही पानी आता है, उसी से खाना बनता है, बीमार होते बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे बीमार है। हाँ, और उधर हॉस्टल के जो झाड़ियाँ हैं वो भी नहीं कट रही है, उसके कारण अजगर सांप बड़े बड़े जानवर भी आ रहे हैं, और जो बाहर के लोग भी आते हैं अंदर कॉलेज कैंपस में, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई देखता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा। हाँ मीठी बातें बोलते सर, हम भी मीठी मीठी बातें करके बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसा कर देंगे, पर वो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा उस पर। स्पोर्ट्स का सामान अभी तक आया ही नहीं, एक गेंद भी नहीं मिली हमको खेलने का, वार्षिक उत्सव नहीं होते, कहीं नहीं हो रहा ये सर, हम बोल देते कि इतने दिन में हो जाएगा पर होता ही नहीं है, पहले भी बोला था कहीं, और कॉलेज के अंदर जा क्लासरूम है वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, बहुत परेशानी आती है पढ़ाई करने में, बहुत कॉम्प्रोमाइज करने का ही बोलते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करें हम, 2-2.5 साल से कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं। कैंटीन में जो खाना आप बोल रहे हो कि स्टाफ भी बैठ के खाता है खाना वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब कैंटीन जो खाना बनाते हैं वो खुद अलग बना के खाते हैं, उनके लिए वो 4 जन जो खाना बनाते हैं ना वो खुद अलग खाना बना के खाते हैं उनके लिए, और हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो अलग खाना खाते हैं। सर देखने तो आते हैं बट कभी देखने आते हैं कैमरे, वो ये देखने आते हैं कोई बच्चा खाना ले जा रहा है या नहीं, हॉस्टल में बैठ के तो नहीं खा रहा है, कैंटीन में बैठ के क्यों नहीं खा रहा है, बस इतना देखने आते हैं, ऐसा नहीं कि खाना देख ले,
खाना ही नहीं खाते, ऊपर ऊपर देख के चले जाते हैं खाना चले जाते वो उसमें सवाल, ये जब तक खाएंगे नहीं इनको पता कैसे चलेगा। हाँ, जो आवाज उठाएगा उस पर उसको टारगेट करते हैं, फिर नंबर कम देते हैं या टीसी देने का बोलते हैं। हाँ, टीसी नहीं देते हैं, डराया जाता है, एक एक को क्लास में से एक एक को बुलाया जाता है। कम डाली गई स्कॉलरशिप भी 6-6 हजार डालनी थी तो 3-3 हजार ही डाली है, किसी की 4 हजार, किसी की 4 डाली, किसी की 5, मतलब भेदभाव होता है। हाँ हाँ, खाते में आती तो आगे से स्टाफ से तो किशन चौहान नाम। सर खाने की व्यवस्था, सर खड़े हो जाओ सर, खाने की व्यवस्था ये देखा जाए तो 1-2 दिन सर सही बनता है, बाकी वैसा ही बनता रह जाता है। मतलब वापस 1-2 दिन समझा देते हैं, वापस वही रूटीन चालू हो जाता है सर। मिक्स दाल बनती है सर, किसी सब्जी में कोई सब्जी मिला रहे सर, ऐसी बन रही है। और पढ़ाई में देखा जाए तो सर मैं 5th सेम में हूँ सर, हमारे यहाँ 2nd सेम में केट का सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर एडिट डिजाइन सर, जो कि देखा जाए कि 2 साल पहले सर को बताया गया था बट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ सर। हम 5th सेम में आ गए, 2nd सेम में भी था यही कि मतलब कंप्यूटर एडिट डिजाइन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है सर ऑटो के, इसके बारे में तो सर अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुआ है, बोलते बजट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सर पीछे हट जाते सर। पानी वाने की भी बहुत समस्या है सर, पीने की जैसे कॉलेज में आना पड़ता है सर, हॉस्टल में सर सुविधा नहीं है सर, रात को ताला लग जाता है तो फिर पानी की समस्या आती है, इसके उसके रूम में से पीना पड़ता है सर, इस प्रकार से समस्या आती है सर। इमीडिएट उनके है ना सॉल्यूशन उसी समय 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था, जैसे उन्होंने कहा था कि खाने में सर हमें संडे के दिन पूड़ियाँ खानी है, नो प्रॉब्लम पूड़ियाँ। अब फिर इन्होंने बीच में कर दिया हम पूड़ियाँ नहीं खाएंगे, तो ये इस तरह के डिफरेंट है। स्टेशनरी एक बच्चे स्टेशनरी, एक सेमेस्टर में इनके 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 इनको है ना आपकी लॉन्ग कॉपीज मिलती है और साथ में 4 या 5 लेबोरेटरी जर्नल भी इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अभी कितने हो गए, मतलब ये मान के चले 14-15 इनको कॉपीज मिल रही है एक सेमेस्टर में, और यही नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो करीबन 30 कॉपीज। और इसका प्रूफ भी आज इन्हें मिस्टर नीलेश जो आए थे इनको दे भी दिया है, इन्होंने खुद भी देख लिया ये सब, पहले मैं सॉल्व करके आ रहा हूँ 1.5 घंटे इनके साथ। दूसरा सवाल इनका, हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कैड वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी सिविल का तो कैड का सॉफ्टवेयर है और उसको बकायदा हमारे जो लेक्चरर हैं आदित्य हैं उनके द्वारा बकायदा इनसे कराया गया, बच्चों ने एक्सेप्ट भी किया वहाँ पे है ना, फिर भी जो शिकायत है। हाँ, नो डाउट ज्ञापन दे, मुझे तो ज्ञापन नहीं दिया ना, मुझे भी एक बार बस वही बताया था और बताने के बाद मेज जिसको सॉल्यूशन था वो सब चीज़ हमने इनको कंप्लीट करवा दी और जो चीज़ नहीं है हम उसको बहुत जल्दी करवा देंगे। सर आप समय समय पर कब निरीक्षण करते हैं? समय समय पर कब निरीक्षण करते? मेरा तो पूरा टाइम भी लगता है वहीं, हम तो रेसिडेंशियल है, हमारा हर स्टाफ जाता है और हर जगह मतलब मॉर्निंग से लेके आपका ब्रेकफास्ट लेकर आदमी बिजी रहता है तो रात को 8 बजे तक जब तक मेज बंद या 9 बजे तक हॉस्टल एक बंद नहीं होता तब तक। 4 लोगों की सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ड्यूटी लगी है, 4 लोगों की लंच में ड्यूटी लगी है और 4 लोगों डिनर में ड्यूटी लगी, 4 से 6 लोग ये पूरा हमेशा चेक करते हैं। बच्चे बता रहे थे कि हॉस्टल में पीने के लिए पानी नहीं है रात को कई बार, वो एक मिनट में वो बता रहा हूँ। लास्ट टाइम इनकी भी एक डिमांड थी कि हमारे हर हॉस्टल के अंदर आपको क्या कहते हैं RO लगाया जाए, है ना, हमने इमीडिएट इनके सब RO और वो सब लगा दिए, लेकिन कोई बच्चा भी है ना वहाँ से पानी पीना नहीं पसंद करता, RO लगा हुआ है उसके अंदर सब। हमारे यहाँ जो आपका ट्यूबवेल है पानी जो है एकदम पोर्टेबल है और हमारे यहाँ मैक्सिमम जितने स्टाफ लोग हैं घर RO का पानी पीते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि RO भी आजकल डेंजरस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ा था अगर आपने RO लगाया है तो, अगर 40 डिग्री से कम पानी पिएंगे तो आपको दिक्कत है, आज नहीं तो भी दिक्कत आती है। जनरली हम लोग भी है ना पानी सब वही पीते हैं जो डायरेक्ट ट्यूबवेल से आता है, पर जिन्होंने RO लगा रखे हैं वो ठीक है, पर RO और इन बच्चों के पास में RO लगेगा की समस्या थी, सिर्फ एक कैड वाला जो इनका नहीं था कैड वाला सॉफ्टवेयर वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और कुछ कमरे में मान लीजिए कि इसके अंदर जैसे फैन लगे हुए हैं तो शायद कितने रूम है कमल, 33 रूम है और मात्र उसमें 38 लड़के हैं, तो ऐसा लड़का नहीं होता है कि ना हर कमरे में पंखा नहीं, अगर किसी कमरे में पंखा नहीं होगा तो मैं आगे सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है जबकि स्वच्छता सेवा अभियान चल रहा है। स्वच्छता सेवा अभियान के अंदर क्या अंदर की तो पूरी सफाई है, बाहर झाड़ियों की परिसर बहुत बड़ा है और परिसर बड़ा होने के कारण क्या है कि वो साइड में कुछ झाड़ियाँ निकली हुई है, इनका कहना है कि खिड़कियों से पीछे जो है मतलब इनके जो कौन सा बी ब्लॉक है ना ए ब्लॉक के पीछे कुछ झाड़ियाँ हैं पेड़ आते हैं तो उनको सर, भोजन का ठेका किसके पास है? भोजन का ठेका हमारे ओपन टेंडर होते हैं, ओपन टेंडर में क्या नाम इनोवेटिव करके कोई इनोवेटिव शिकायत कर रहे हैं, खाने की भी शिकायत कर रहे हैं आप चल के खा लीजिएगा, खाते उपवास चल रहा है अभी
कोई बात नहीं, बाद में खा लीजिए, कभी भी खाइए, मोस्ट वेलकम। आपने कभी टेस्ट किया सर? हाँ खाता हूँ, मेरे स्टाफ खाता है, मेरा तो सो मेनी टाइम्स खाता है, हमारे बोल मेस इंचार्ज है, बता दीजिए बच्चों के साथ में मतलब खाना भी खाया है और बच्चों से पूछते भी हैं। अभी अचानक से आ गए हैं और जैसे उनकी समस्या रहती है जैसा बताते उसी वक्त हम सामने बोल रहे हैं, मैं बता रहा ना, मैं बच्चों से पूछता भी हूँ कि कैसा खाना है, तो वो उस समय अपने को बताए कि ऐसा खाना है तो अपन उसी समय एक्शन ले, वो बोलते बढ़िया है सर, बैठ के खाना खाते हैं। क्या नाम है आपका? अमिया राज चौहान।